नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर अंचलाधिकारी संजय कुमार महतो के द्वारा उजियारपुर अंचल के नए अंचलाधिकारी अजीत कुमार को मंगलवार 20 जुलाई 2021 को पदभार दे दिया गया, जिसके बाद अंचल कार्यालय परिसर में ही सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कार्यालय कर्मचारियों तथा समाज सेवियों के द्वारा सर्वप्रथम मिथिला परंपरा के अनुसार सीओ संजय कुमार महतो तथा निवर्तमान सीओ अजीत कुमार को पाग चादर तथा बुके देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समारोह में उपस्थित कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा अंचलाधिकारी संजय कुमार महतो को फूल व मालाओं से लाद दिया गया। उपस्थित वक्ताओं ने अंचलाधिकारी संजय कुमार महतो के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा विगत 3 वर्षों में किए गए कार्यों का सराहना किया। आयोजित इस सादे समारोह की अध्यक्षता तथा संचालन अंचल निरीक्षक मनीष कुमार ने किया। अंचल निरीक्षक मनीष कुमार सभा संचालन करते करते रो पड़े, जिसके बाद अंचल अधिकारी उजियारपुर संजय कुमार महतो के साथ साथ सभा स्थल पर उपस्थित करीब करीब सभी कर्मचारियों की आंखें भी भर आई। सभा को संबोधित करते हुए गावपुर पैक्स अध्यक्ष विद्यानंद सिंह ने कहा कि इनके द्वारा जनहित के कार्यों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, साथ ही कभी किसी जरूरतमंद लोगों को अपने जानकारी में किसी कार्य को लेकर अंचल कार्यालय का चक्कर भी नहीं लगाने दिए। उन्होंने यह भी कहा कि उजियारपुर की जनता सीओ साहब को हमेशा उनके कार्यों के लिए याद रखेगी। अनिल कुंवर ने कहा कि कोरोना काल में इनके द्वारा किया गया हर एक काम अभूतपूर्व रहा। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रवासी मजदूरों के दुख तकलीफों को दूर करने में दिन रात डटे रहे। आयोजित इस विदाई समारोह को भाजपा नेता सुनील चौधरी, समाज सेवी मोहम्मद चंब, अरुण सिंह, पूर्व मुखिया राजेंद्र प्रसाद सिंह, अचल कर्मी मनोज कुमार सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। मौके पर अनिल पासवान, सुनील कुमार सहनी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। के रिजीम में 3 वर्ष बीत गए, हम लोगों को यह बुझाया ही नहीं कि कब साल बीता, नया साल आया और वह खत्म हुआ। और काम करने में जितना मजा इनके रिजीम में हम लोगों को आया, हम लोग तो वैसे बहुत अंचल अधिकारी को देखे हुए हैं, करीब करीब 30-32 अंचल अधिकारी के साथ हम काम कर चुके हैं, लेकिन बिरले ही ऐसे ऐसे 2-3 अंचल अधिकारी मिले हैं जिनके सानिध्य में कार्य करने में हम लोगों को इतनी खूबियां और अच्छाई मिली है। संजय बाबू के कार्य का वर्णन आपने किया, सभी अंचल कर्मी खुश हैं, अंचल के जो सामान्य जनता है उनके कार्य से खुश था और यह सामान्य काम था। मैं इनके एक विशिष्ट कार्य का वर्णन करना चाहूँगा। कोरोना काल में जब सारे लोग अपने अपने कर्तव्य से विमुख होकर भागते थे, उस समय भी हमारे सीओ साहब सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक सारा काम देखते थे और उस पेशेंट के पास भी जाते थे, क्वारंटाइन सेंटर पर जाते थे। हमको लगता है कि शायद इनको कोरोना हुआ भी हो, भाग भी गया हो, पता नहीं चला हो। और कर्मठता के साथ उन्होंने काम किया और एक मिसाल काम किया
उस विपदा की घड़ी में एक पदाधिकारी का क्या कार्य होता है और निभाया उसने सच्चे मन से निभाया। हर आदमी को रोज आता है, वैसे 1959 में इस प्रखंड की स्थापना हुई थी, तब से अंचलाधिकारी के पद पर भी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर भी सारे लोग आते जाते रहे, लेकिन इनका जो कार्यकाल संजय बाबू का रहा, आज आम जन में भी इनकी चर्चा है और सभी लोगों को, हर कर्मी को लेकर के साथ चलने की क्षमता इनमें थी। और ज़्यादा बात तो हम नहीं कहना चाहते, आशा करते हैं हम नए अंचलाधिकारी से कि इनका अधूरा काम जो छूट गया हो उसको भी पूरा करेंगे और हम लोग सहयोग करेंगे। संजय बाबू का विदाई का कार्यक्रम आज है, लेकिन हम समझते हैं कि संजय बाबू सरकारी पदाधिकारी हैं, सरकार के द्वारा जो 3 साल में स्थानांतरण होता है उसके तहत उजियारपुर से संजय बाबू जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के दिल में संजय बाबू हैं और रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत अंचलाधिकारी को देखा। उजियारपुर प्रखंड में जितने भी पदाधिकारी आते थे उनका प्रतिदिन धरना प्रदर्शन खिलाफ में, उनके खिलाफ में होता रहता था, लेकिन हम समझते हैं कि संजय बाबू जब से आए हैं धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, किसी राजनीतिक दल के द्वारा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। जुलाई महीना 18 तारीख को ही हमारे संजय कुमार महतो अंचलाधिकारी आए थे और आज उनका 3 साल 2 दिन बीत गया है। जब वो आए थे अभी तक वो अंचलाधिकारी थे, हमारे लिए वो मित्र से भी बढ़ के जो है, कार्यकाल का क्या हम वर्णन करें। अनिल बाबू बोल रहे थे जब कोविड का पीरियड था वो हम समय देखे हुए हैं और समस्तीपुर जिला में सेकंड कोविड मरीज जो मिला था दलसिंह उजियारपुर में ENM में, उस समय हम लोग 4-5 आदमी थे और किसी का हृदय नहीं काम कर रहा था उस कोविड पेशेंट के मिलने के बाद। सब लोग, यहाँ तक कि जो वर्तमान SDO साहब हैं, उस समय DCLR सर थे, उस समय के SDO साहब, किन्हीं का हृदय मतलब कल से काम नहीं कर रहा था। और हमें याद है उस दिन भी कि सुबह में 6 बजे उसी तत्परता, उसी गर्मजोशी के साथ उजियारपुर के धरती पर उपस्थित हुए और रहते हुए पूरे समस्तीपुर जिला में सबसे कम कोविड पीरियड में जो कोविड सेंटर था उसमें जो शिकायत होता था उसका जो ग्राफ था सबसे नीचे उजियारपुर का रहता था। उम्र में हम बड़े जरूर हैं, लेकिन उनके सानिध्य में रहकर हमको सीखने का मौका मिला। बहुत त्रुटि भी थी हमें, इसको इन्होंने सुधारा और सीखने का मौका भी मैंने दिया। विगत 3 वर्षों का कार्यकाल बहुत ही अच्छा गुजरा। पता ही नहीं चला काम का बोझ कुछ नहीं लगा और एक रिश्ता सा बन गया जो शायद ही अब कभी दिल से भुला पाए। हमारा सहकर्मी जा रहा होता है और उसको पब्लिक प्रशंसा करती है, हम नेता तो नहीं हैं लेकिन हमारे कामों की ही प्रशंसा होती है कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। बहुत अच्छा लगा।
मेरा छोटा भाई का इतना प्रशंसा आप लोग सुने हैं, आप लोगों के मुंह से सुना, वास्तव में संजय बाबू के साथ साथ आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं। समय ऐसा है, अच्छा काम भी करिए तो उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। फिर हमें बहुत खुशी है यहाँ के लोगों के द्वारा जो इतनी बातें सुनी, हमारे अंचल कर्मियों के द्वारा जो सहकर्मी हमारे बनने जा रहे हैं उनके द्वारा सुना, ये बहुत ही गौरव का क्षण है। जहाँ सर आपके जा रहे हैं वहाँ मैं 15 से 18 गुजार चुका हूँ, वो भी 28 ब्लॉक थी, 28 पंचायत थी तो वहाँ से हमारा दरभंगा हुआ था क्योंकि फिर चोटी से यहाँ आए। हम उम्मीद करते हैं कि संजय बाबू ने जो भी काम किया है या जो भी उनके द्वारा कुछ छूट गया हो, कोशिश करेंगे तो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, है छोटा भाई नज़ीर को कोई भी सिखाता है, तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने अंचल कर्मियों को साथ में लेते हुए हम बेहतर से बेहतर सेवा आपको दे सकें। एक बार फिर हम अपने बड़े भाई अजीत जी को आप लोगों की ओर से इस उजियारपुर की धरती पर स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो कार्य किए हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उस कार्य को ये आगे ले जाएंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो प्यार स्नेह आप लोगों ने मुझको दिया है उससे ज़्यादा प्यार स्नेह हमारे बड़े भाई को दीजिएगा। यहाँ तक मेरे अंचल कर्मी का है, जैसा कि मेरे बारे में बताया गया है ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग स्वयं सक्षम थे और अपने अपने कार्य को, इन लोगों को क्या कार्य करना है वो खुद करते थे। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने के बाद करते थे। जहाँ तक मनीष जी का सवाल है तो हम इनके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, ये खुद समझ रहे हैं कि हम अगर नहीं भी रहेंगे, नहीं भी रहते थे तो मेरा जो भी दायित्व था वो ये अपना काम समझ करके, ना कि सरकारी कार्य, अपना कार्य समझ करके ये समय पर पूरा करते थे। हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अंचल में उपस्थित नहीं हैं। हम कभी भी मुख्यालय से बाहर भी अगर किसी कार्य से जाते थे तो मेरे बदले में जो भी काम होता था उसको सही रूप से और समय पर, सबसे बड़ी बात है जो भी रिपोर्टिंग होता था वो समय पर होना और उसमें शुद्धता भी होना था, तो ये उसको पूरा करते रहते थे। और जो मेरे अंचल कर्मी मनोज बाबू थे, शंकर बाबू हैं और विद्या जी थे जो पूर्व में एक साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो लोग भी अपने अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किए। कम स्टाफ में, जैसे ये 28 पंचायत है, यहाँ कार्य ज़्यादा था, हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, लेकिन ये लोग जो हैं उस कार्य को भी कम कर्मी रहते हुए भी समय पर निष्पादन करते रहे। इसके लिए मैं मनोज बाबू, शंकर बाबू का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद सुनील जी हुए, अनिल बाबू हैं, मुखिया जी हुए, नित्यानंद जी हुए, हमारे सरपंच साहब संजय जी हुए और जो कि सब कर्मी उपस्थित हैं। क्षेत्र में जो आपदा की घड़ी थी उसमें एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप लोगों के सहयोग से पूरे लगभग 46 सेंटर क्वारंटीन सेंटर ये चला था और आप लोगों को ही मदद से सभी जो भी प्रवासी मजदूर आए उनकी जो सरकार द्वारा जो भी सुविधा मुहैया कराया गया था आप लोगों को मदद से उन लोगों को मुहैया कराया गया। चाहे विधि व्यवस्था की समस्या हो, रोड जाम की हो, आप लोगों को हम सिर्फ जानकारी देते थे, उससे पहले भी आप लोग वहाँ पर सतर्क रह करके उस कार्य को पूरा कर देते थे। हमको ये नहीं लगता था कि हम जाएंगे तब जा करके वो कार्य होगा, आप अपने तरह से सरकार के द्वारा जो भी राशि मुआवजा दिया जाना है आप लोग स्वयं उस चीज को उनको समझा बुझा करके कभी रोड जाम होने नहीं दिए, अगर हुआ भी तो 10 से 15 मिनट में जा करके समाप्त करवा देते थे। तो जो स्नेह प्यार हम लोग हमको मिला है उजियारपुर की धरती से आप लोगों से वो कभी भुलाया नहीं जाता है। एक बार फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बड़े भाई को भी वही स्नेह और प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।